हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कंडेंसर की क्लीनिंग कैसे करें। और ये हीट एक्सचेंजर या कंडेंसर एक ही नाम से पुकारा जाता है इसको। और इसमें जो ये वहाँ पर ज़्यादा लगा हुआ होता है जहाँ पे आपका हाइड्रोलिक ऑयल आपको ठंडा करना हो, या आपका चीलर हो, चीलर में आपको गैस वगैरह का जो टेम्परेचर है वो ठंडा करना हो। तो बेसिकली इसका काम है कि जो आपका गर्म ऑयल या आपका पानी या आपकी गैस ही चलती है, तो ये उसको ठंडा करने के लिए काम में आता है। काम कैसे करता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये इसके दोनों फ्लेंज, दो तरफ के जो है ये फ्लेंज हैं, ये इसका ऊपर का कवर है और अंदर जो ये येलो कलर की है ये आपकी पाइप लगे हुए हैं। और ये वाली फ्लेंज थोड़ा सा अलग तरह की है, मैं आपको ये दोनों अभी दिखाता हूँ एक बार और, इसे रोक के कैसे कैसे काम करता है सब कुछ। देखिए सबसे पहले ये एक इसका पार्ट्स है, ये इसके जो दोनों तरफ जिसमें आपके पाइप लगते हैं ये वो पार्ट है अंदर का। इस वाले पार्ट में इसके साथ अब हम इसमें जो आपके पाइप लगे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं कैसे पाइप लगते हैं इसके अंदर। देखिए ये इसके पाइप लगे हुए हैं कॉपर के, ये एक तरफ से ब्रेजिंग कर दिए जाते हैं अंदर की तरफ से, और बाहर की तरफ से ये आपके प्लेन कर दिए जाते हैं जिससे कि वाटर आपका अंदर की तरफ एंटर ना हो इन होल से। मैं अब ये सारे के सारे पाइप आपको इसमें सारे में लगा देता हूँ एक बार। देखिए अब ये सारे पाइप जो हैं इसमें लग चुके हैं। अब आप ये देखिए कि ये इसमें इधर से अगर कोई भी वाटर अगर जाएगा तो सिर्फ इन जो ये वाले जो पाइप हैं इसके थ्रू जाएगा। ये जो ये चारों तरफ का एरिया है ये उसमें सोल्डरिंग ब्रेजिंग कर दिया जाता है, और इसमें अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि पाइपों के बीच में काफ़ी गैप है। जब भी कोई इसमें आपका कोई भी गैस या आपका कोई लिक्विड इसके अंदर जाएगा तो वो घूम के, जब वो घूमेगा इसके अंदर, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे घूमेगा। इसमें देखिए मैंने ये फिल्स लगा रखी हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये इस पाइप में ऐसे ही लगी हुई है जैसे ये इसका आगे पीछे का तरफ पोर्शन लगा हुआ था, जाली लगी हुई थी। ये वाली जाली में क्या है कि आप अगर इधर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जाली आधी बंद है और आधी खुली हुई, यानी कि इधर का जो अगर अंदर कोई लिक्विड या कुछ आएगा तो इधर से पास नहीं हो सकता, उसे इधर जाना ही पड़ेगा इस तरह। तो जब वो कोई मटेरियल इधर से आएगा, कोई भी लिक्विड या गैस, तो इधर से जाएगी फिर इधर को आएगी क्योंकि फिर ये ब्लॉक हो गया आगे। तो ये अंदर से इसी तरह डिजाइन किया जाता है, यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आके घूम के वापस ये चला गया। अब देखिए आप यहाँ से अगर कोई पानी एंटर करता है, कोई वाटर इसके अंदर एंट्री करेगा इस तरफ से, तो वो इन वाली जो ये आपके पाइप लगे हुए हैं पाइपों के थ्रू वो वाला मटेरियल इधर चला जाएगा निकल कर। और जो अब मैं इसके ऊपर कवर लगा दिया है, हमने आप ये कवर देखिए, अब इसके बाद यहाँ से जो आएगा वो ही इधर निकलेगा, और जो हमने यहाँ पे इसमें होल कर रखे हैं इस बॉडी में, ये होल उसी लिए हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें ये देखिए मैंने ट्रांसप्लेट कर दिया इसे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें अब जौन सा भी मेटेरियल यहाँ से जाएगा वो इसके अंदर सर्कुलेट होके यहाँ से निकल कर यहाँ पर वापिस आ जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लीकेज ना हो, और अंदर का जो फील्ड है वो कैसे काम करता है वो हमने जान लिया है। अभी अब हम इस पर निप्पल वगैरह लगाते हैं। इसके ये दोनों निप्पल लग गए हैं, इस तरफ भी लग गया है और इस तरफ भी। या ये निप्पल इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि आपको पाइप लगाने में आसानी हो। देखिए ये दोनों फ्लेंज बना दिए हमने इसकी, इसमें जो आपके ये एक तरफ की फ्लेंज होती है जिसमें आपका वाटर आएगा, जिससे जो ठंडा वाटर आएगा और वापस जो है गर्म होकर इस वाले से वापस चला जाएगा। और ये इसमें यहाँ पर इसमें दो तरफ लगा हुआ है, ये इसका सामने इसकी सिमेट्री बैठी हुई है। मैं इसको ये दिखाते हैं हम कि ये काम कैसे करता है, इन ये जो फ्लेंज है सारा खेल इन फ्लेंजों का है, अगर ये गलत लग जाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी 1/4 रह जाती है। नाउ सिंपल वे में आप देख सकते हैं, यू कैन लुक हियर दैट आपका जो दो पार्ट का वो होता है नॉर्मल हीट एक्सचेंजर होता है, उसमें एक तरफ से आएगी आपकी सप्लाई वाटर जो आएगा, ये मैंने वो बना रखा है, कोयल का पोर्शन कट करके बना रखा है। आप देखिए जो ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वाटर का, इधर से आया, ये यही शेप है, चौथी शेप हमारी इधर की लगी हुई है, इसमें से वाटर आया, ये आपका दूसरी तरफ का पोर्ट बिल्कुल मिला हुआ है। ये नॉर्मल है, कौन सा सिंपल तरह से आपका कंडेंसर काम करता है या हीट एक्सचेंजर काम करता है, उसमें दोनों पोर्ट मिले और ये वाटर आधा इधर से निकल के चला गया। सिस्टम वही है कि यहाँ से आया और यहाँ से निकल के वापस चला गया। बीच में फ्यूल्स लगी हुई रहती है तीन, कि ये जो अंदर का जो आपका आएगा गैस या वाटर वो केमिकल वो ऐसे घूम के जाएगा। तो
अब दिखाते हैं आपको एक नया, ये फोर वाला है, फोर वे वाला, जो उनसा हम ज्यादातर चिलर में यूज करते हैं। उसमें आप ये देखिए कि यहाँ से वाटर आया आपका रेड कलर में आया, आप देखिए रेड कलर में आया। ये मैंने ये वो हमने वही बना रखा है, जो सा जिस तरह का डिजाइन इस पे बना हुआ होता है, एक कट आने का अलग है, जाने का अलग है, और बीच के दोनों पॉइंट मिले हुए हैं। ऐसे आप देखिए, ये आने का है, जाने का है, और ये दोनों पॉइंट मिले हुए हैं। इसमें क्या है कि इसमें क्रॉस में मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं ये क्रॉस में हमने बना रखा है। अब जैसे ही वाटर, आप सपोज कीजिए रेड कलर से आपका वाटर आया, रेड कलर से वाटर आने के बाद आपका वाटर आया यहाँ, और ये कहाँ मिला आपका, ये रेड कलर में दोनों पॉइंट जो मिले हुए हैं इसमें मिल गया। यहाँ से घूम के वाटर इसके वापस गया ये ब्लू कलर में। अब ब्लू कलर में जब इधर से वाटर आया, अब आपका सामने वाला पोर्शन ये वाला खुला हुआ है, मिला हुआ है, तो ये वाटर इधर को घूमेगा दोबारा और घूम के वापस जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ फिर मिला हुआ है, तो ये वापिस इधर से होके आपका वाटर वापिस चला जाएगा। इसे बनाने का तात्पर्य क्या है कि इसमें जब गैस या कोई आपका हीटिंग ऑयल या कोई और थर्मिक ऑयल जब घूम के जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो सके, ये इसके फोर्थ वे में इसलिए बनाया जाता है। अगर आपको कुछ और समझ ना हो तो मुझे और आगे बताना आप, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट। तो आप ये देखिए कि इसमें जो पानी जो वाटर यहाँ से आता है वो घूम के इसको ठंडा कैसे करता है कोयल को, हमें वो पता लग गया कि कोयल में वाटर अंदर की तरफ से कैसे सर्कुलेट होता है। और इन ये जो फ्यूल्स लगी हुई हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है कि अंदर की तरफ से हम जो भी चीज दे रहे हैं उसे रोक कर रखना। एक खास बात और है, वो खास बात ये है कि जिधर से आपकी इनलेट आए, जिधर से भी आप ठंडा वाटर दें, याद रखिए इस बात को, जिधर से भी आप वाटर ठंडा देते हैं, अपना कूलिंग का इनपुट आती है इसमें, इस वाले में ठंडा करने के लिए, उस तरफ आपका जो नजदीक का जो आपका पोर्ट होता है, जो भी निप्पल लगा हुआ हो, उस तरफ आप आउटपुट लगाते हैं अपने, जो आपका हाइड्रोलिक ऑयल वापिस जा रहा है ठंडा होकर। क्योंकि आप सपोज कीजिए यहाँ से जो भी ठंडा होकर जाएगा आपका, जब सर्कुलेशन होकर जाएगा, तो यहाँ पर जो निकल के वापिस जाने वाला है, क्योंकि आपका ठंडा पानी इधर से आ रहा है, ये कूल्ड वाटर इधर से एंटर कर रहा है, तो आपका जो हॉट वाटर है वो इधर से वापिस जाएगा, रिटर्न होकर जाएगा। जो गर्म गर्म वाटर है वो इधर से आ रहा है आपका, ये जब सारी गर्मी लेके, जब हीट इसकी जब ट्रांसफर होगी कोयलों के थ्रू, तो ये लेके जब तक वापस आएगा तब तक आपका ये ठंडा हो चुका होगा, क्योंकि एंट्रिंग पॉइंट इसकी हॉट की इधर रहेगी, तो इधर से वाटर जा रहा है, तो ठंडा इस वाले वाटर को लेता हुआ जो अंदर का जो हीटिंग है उसकी, वो ट्रांसफर इस वाले वाटर को होगी। तो ध्यान रखना है कि जिधर से हमारी एंट्री हो वाटर की, उधर से उधर उस तरफ हमारा जो बॉडी है, जो हमारा सिलेंडर है, उसमें उस तरफ से नजदीकी पॉइंट से आपकी रिटर्न होकर वापस हाइड्रोलिक ऑयल या जो सा भी आप गैस यूज कर रहे हैं वो ना करते। इसमें एक पार्ट और रह गया था कि इसमें हम लोग करते क्या है, जब ये गर्म काम करता है, गर्म ऑयल हमारा चल रहा हो, तो उस समय हम कैसे इसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। वो सिंपल है, वो कि आपके जो ये बोर्ड बोर्ड लगे हुए हैं, ये इस बोर्ड या ये जो होल हुए हैं यहाँ पे, ये इन बोर्डों से लगा हुआ होता है, यानी कि ये इससे चिपका हुआ रहेगा। और जैसे ही ये बोल्ट इस पर आप बोल्ट खोलेंगे यहाँ से, तो ये बोल्ट खोलने के बाद आपका ये हिस्सा बाहर आ जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ का भी ये वाला जो ये है, ये भी इस पर फिक्स रहता है, आपने देखा हो। तो उसके बाद जो है इसको भी आपको करना क्या है कि आपने इसको बोल्ट ये निकालने, रिमूव करने हैं इसे केवल बोल्ट, और बोल्ट निकालने के बाद इसे बाहर निकाल देना है। अब आप कोई सरिया या कोई आप रोड लेके और उसमें आगे की तरफ ब्रश लगा के, ये जो आपकी ये जो आपके पाइप लगे हुए हैं कोयल के वाले, जो ये वाले पाइप लगे हुए हैं, ये ज्यादातर आपके कॉपर के आते हैं। तो जैसे 12 mm का पाइप है आपका, तो 12 mm के हिसाब से ब्रश लेके आप उस पर रोड पर बांधिए और इसमें अंदर की तरफ से क्लीन करिए डाल के। जब आर पार आपका ये होल हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये आर पार है सारे के सारे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक सेकेंड, देखिए अब देखते हैं इसको, ये आर पा रहे हैं आप देख सकते हैं। तो ये इनमें क्या होता है कि जब आपका वाटर चलता है, तो वाटर में थोड़ा सा सिलिका, अगर आपका कूलिंग टावर चल रहा है, हम वो भी दिखाएंगे आपको कूलिंग टावर कैसे काम करता है। कूलिंग टावर के थ्रू जब इसमें आपका ठंडा पानी चलता है, तो इसमें अंदर की तरफ थोड़ी सी सिलिका जम जाती है, तो उसे डिस्केलिंग करने के लिए हम लोग इसे ओपन करके इनको अंदर से पाइपों को साफ करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके में आपने इसको कब साफ करना है, आपको कैसे पता लगेगा, ये आपके वर्किंग के ऊपर है कि आपका अगर 24 घंटे की वर्किंग है, तो आपको ये देखना है
कि हमें क्लीनिंग का 3 महीने में शेड्यूल बनाना है या 6 महीने में बनाना है। आमतौर पर 3 महीने में बनाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम इसकी सख्त जरूरत पड़ती है। तो ज्यादातर प्रिवेंटिव के लिए हम लोग मार्च का महीना सूज करते हैं कि मार्च में तो ये साफ होना ही होना है, और बीच में अगस्त में या सितंबर में आप एक बार क्लीन करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह चलता रहेगा। और इसमें कुछ और बाकी नहीं रह गया है, अगर कुछ और आपको जानना हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।